हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्रीज लगातार बूम पे है और हरियाणा के कलाकारों ने एक से एक गाने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्रीज को दिए हैं। एक कलाकार देविंदर फौजी हमारे साथ में है कि उनका अभी तक किस तरह का सफ़र रहा और किस किस तरह के उन्होंने गाने दिए और सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था क्या वो उनको मिला। देविंदर फौजी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। देविंदर जी, स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट में। नमस्कार। कहाँ से अपना आपने कैरियर शुरू किया और किस किस तरह के गाने आपने अभी तक दिए हैं? मेरी शुरुआत, मैं 2009 में फौज में भर्ती हुआ था CISF में। उसके बाद एक जुनून लगा कि मेरे को सिंगिंग लाइन में जाना चाहिए। मैं बचपन से गाता था, स्कूल में गाता था गाने वगैरह। जॉब में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के मैं जॉब में गया, लेकिन सुकून नहीं मिला। एक हमेशा ये रहा गया यार, कुछ एक हटके करना है। अभी मैं कोई IPS IAS तो बनने से रहा, फिर सोचा यार क्या करते हैं, बचपन का शौक था सिंगिंग, मगर इसमें कुछ करते हैं। मैं छुट्टी आया, एक दो मेरे मित्र थे MD, जिसको मनु दीवाना बोलते हैं, वो मेरे को लेके सतीश सहगल जी हैं रोहतक में, वहाँ गए तो उन्होंने थोड़ा हौसला दिया कि हाँ यार आप कर सकते हो, अच्छा गा सकते हो। वहाँ से मेरी फर्स्ट एल्बम आई थी, हरियाणा का बिग बॉस, और वो मेरी शुरुआत थी जिसमें मैंने गाने गाए थे और एज ए हीरो MD ने उसमें रोल किए थे। अच्छी एल्बम थी, लोगों का अच्छा प्यार मिला उसमें। उसके बाद से फिर लगातार बहुत गाने आए हरियाणा में, करीब करीब ये समझो 2000 लगभग मैंने गाने गाए। सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा गाने मेरे, महीने में 5 गाने रिलीज होते हैं अभी भी, किसी का नहीं इतना। मैं हर महीने में 5 गाने अभी भी रिलीज करता हूँ। ना गाने के बाद में फिर आगे किस तरह का संघर्ष रहा, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार से भी सहयोग शायद नहीं मिला? देखो, गवर्नमेंट की कोई भागीदारी इसमें होती नहीं है। यहाँ तो ये कि अपनी जेब से पैसे फूको तमाशे देखो, वो सिस्टम है जी। कोई भी कलाकार, हरियाणा में कलाकारों की कमी नहीं है, हर घर में कलाकार हैं, लेकिन बात यह कि कहीं ना कहीं पैसे को जैसे वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। कोई रिक्स लेने वाले बंदे होते हैं, वो सोचते हैं यार चल पैसे लगाते हैं, बेचारे कर्जे पे लेके आते हैं, कैसे भी लेके आते हैं, अगर बाय द वे एल्बम नहीं चली तो पैसे डूब ही जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो एक पैसे की रिकवरी है नहीं, कंपनियाँ भी इतने पैसे पहले तो कुछ भी नहीं देती थी, पहले तो रिलीज़ करने के पैसे ले लेते थे। आजकल थोड़ा कलाकारों में एकता हुई है, कुछ संगठन खड़े हुए हैं, तो थोड़ा कुछ मिलने लगे हैं। अगर आप गाने में अच्छा करके ले जा रहे हो तो कंपनी आजकल दे देती है। तो सपना के साथ में भी आपने की कि पंजाब का जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज है और हरियाणा की, काफ़ी आगे है पंजाब की इंडस्ट्रीज, आगे से आगे लोग आते हैं जो म्यूजिक देखते हैं, जो एक हम जो पेश करते हैं, तो काफ़ी तुलना लोग करते हैं कि पंजाब यहाँ जा रहा है, हरियाणा बहुत पीछे है। हालांकि अब कुछ दौर में हरियाणा की इंडस्ट्रीज हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, तो क्या लगता है आपको कितना सुधार करने की ज़रूरत है और अब जो बदलाव हो रहा है किस दिशा में जा रहे हैं? समय के साथ परिवर्तन तो होता ही जी। पहले ये होता था कि पंजाबी गानों की हम कॉपी मारते थे, लेकिन अभी नए नए कलाकार सामने आए हैं, उनको मौका मिला है नया करने का, उन्होंने हिम्मत जुटाई है। आज देख लो आप, बॉलीवुड में भी हरियाणा की कंपोज चोरी हो रही है, हरियाणा के बोल चोरी हो रहे हैं और काफ़ी कलाकार वहाँ बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं। तो सब समय के साथ परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। पहले ब्याह शादियों में देखते थे पंजाबी गानों पर हम डांस करते थे, आजकल पंजाब वाले हमारे हरियाणा गानों पर डांस कर रहे हैं। तो बहुत कुछ पाया है अभी इन 2-4 साल में, बहुत कुछ पाया हरियाणा जो ये म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कई साथी कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे राजू पंजाबी जी हैं, मेरे गुरु हैं, वो बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी बोली को बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। वो राज माहौर जी, मासूम शर्मा, अजय भाई हैं, गगन हरियाणवी जी हैं, सपना जी ने तो देखो अपनी हरियाणवी बोली को वर्ल्ड तक फेमस किया है। ढीलू राव भी हमारे साथ में है, जो लिखते हैं जो हरियाणवी गाने वो लिखते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आप बताइए। नमस्कार जी, आप बताइए कि जो गाने के जो बोल होते हैं, कई बार देखते हैं कि जो बोल है वो सही नहीं है, लगता है कि उसमें अश्लीलता जो है वो नजर आती है गाने के बोल में, तो लगता है कि ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए हरियाणवी इंडस्ट्रीज को? देखो, मेरा मानना ये है, यदि दर्शक सुनने वाले हों तो कोई लेखक का मीन्स बनता ही नहीं कि वो गंदा लिखे। यदि श्रोता अच्छे हो ना सुनने वाले, तो लेखक कभी गंदा लिख ही नहीं सकता। उसके अलावा
खुद भी एक देखना चाहिए ना, क्योंकि पूरा लेखक ही जो गीत है बोल है वो सारी चीज़ें देखता है, लेकिन ये होता है कि अपना एक मन भी आत्मा भी कुछ कहते हैं कि सब अच्छे दें ताकि पब्लिक के पास एक मैसेज जाए। देखो मेरा मानना यही है, यदि हम अच्छा लिखेंगे तो उसको परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकेगा और तभी हमारा अच्छा नाम होगा। गंदे बोल लिखने से देखो ना तो कोई आज तक ऊपर गया है और ना ही कोई जा पाएगा, मेरा मानना यही, क्योंकि सब बहन बेटी वगैरह सब देखते हैं साथ में बैठ के, क्योंकि हॉलीवुड एक हरियाणवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें देहात के लोग गांव के लोग सब साथ बैठकर देखते हैं। तो मेरा मानना यही है और मेरी सभी लेखक भाइयों से अपील है कि भैया भाइयों बिल्कुल अच्छे शब्द लिखें ताकि परिवार के साथ बैठ के उसको सुना जा सके और उसको गांव में कहीं भी शूटिंग के दौरान उसको फिल्म आया जा सके। देवेंद्र फौजी जी, आपके बताने के सुपर हिट गाने रहे हैं, तो कुछ ऐसे कोई एक गाना जो सबसे आपका पसंदीदा रहा हो और उसको आप रिवाड़ी अपडेट पे शेयर करना चाहें। अभी अपने दो तीन गाने अच्छे चल रहे हैं, एक तो रूसी डोले गाना आया था भाई साहब लिखा था दिल्लू भाई ने, उसके बाद में एक गाना आया बंगड़ बजवा देगी, उसके करीब करीब करोड़ के लगभग व्यूअर हो चुके 5 महीने। हाँ, उसमें लड़का बोलता है एक लड़की को, तू देसी तेरा टसन विदेसी जान किसे की लेगा, तेरा जम्फर जाली दार गाम में बांगड़ बजवा देगा, तेरा जम्फर जाली दार गाम में बांगड़ बजवा देगा। तो ये हरियाणा में क्या है, लोगों को एक दायरे में रह के, जैसे शब्द है हम इन शब्दों को देखे जाए नजरिए तो एक मनोरंजन के लिए हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं, बांगड़ जालीदार सूट होता है हाँ, तो एक दायरे में रहकर अगर राइटर लिखता है तो उसमें मजा आएगा और पब्लिक भी उसकी सराहना करेगी, कन्फर्म है। अब कलाकार कई बार ये सोचा था कि लोग बाग अगर हम थोड़ा कुछ भद्दा लिखेंगे तो लोग बाग हमें ज़्यादा नहीं, उसमें गालियाँ मिलती, आप अच्छी चीज़ करो, अगर भजन भी अच्छा गा के आप डालोगे ना उसमें लोग आपको देखेंगे सुनेंगे। हरियाणवी जो इंडस्ट्रीज है उसको लगातार अब देख रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी फिल्में आई, सुल्तान मूवी आई, दंगल मूवी आई, उसके अलावा जो हरियाणवी के हरियाणवी जो डायलॉग हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में, और वो फिल्में हरियाणवी डायलॉग से हिट हो जाती है। लेकिन जब हरियाणा सरकार की जब हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, जब बॉलीवुड हरियाणा के डायलॉग से आगे बढ़ रहा है तो हरियाणा के जो कलाकार हैं वो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? अभी एक पहल हुई थी पीछे से, अपने कई साथी कलाकारों ने धरने प्रदर्शन भी किए, गवर्नमेंट ने शायद अभी सुनने मारा है कि साल में 12 फिल्मों को सब्सिडियाँ देंगी 50-50%, जैसे अगर किसी फिल्म में लागत लग रही 2 करोड़ तो 1 करोड़ उसमें गवर्नमेंट देगी, तो अभी अच्छे जो प्रोड्यूसर वो सामने आएंगे, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई 2 करोड़ रुपये लगा भी दिए जाए और उसमें रिकवरी नहीं हो, अभी कम से कम ये तक 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो करोड़ रुपए तो हमारे हैं और करोड़ रुपए तो कहीं से ऐसे तैसे कर के थोड़ा मेहनत करके आदमी के पास ही रहता है हाँ, इससे क्या संस्कृति और ऊपर उठेगी, जब फिल्में बनेगी कोई भी संस्कृति है, जैसे भोजपुरी है पंजाब की संस्कृति है कैसे बड़ी है, वहाँ फिल्में बनती है, मेन खाली गानों से संस्कृति नहीं, मेन वहाँ जब फिल्में बनने लगेगी, तमिल की साउथ में देखो तमिल फिल्म बनती है, इसलिए वो उनकी संस्कृति डेवलप हुई है, जब फिल्में बनने लगेगी तो हरियाणा संस्कृति बहुत ऊँचाई तक जाएगी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र फौजी, जिनका कहना है कि जैसे गवर्नमेंट हरियाणा सरकार संस्कृति बढ़ाने पे जोर दे रही है, अगर हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ में सरकार सहयोग करे तो हरियाणा का जो कल्चर है वो बढ़ाया जा सकेगा, वो दिखाया जा सकेगा।